नमस्कार, 9 दिन 9 मंत्र आप सुन रहे हैं राजुल के साथ। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनुते महम चंद्र घंटेति विश्रुता। श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्र घंटा सभी का कल्याण करे। चंद्रह घंटायाम यस्या सा चंद्र घंटा, जिनके घंटे में चंद्रमा स्थित है उन माँ चंद्र घंटा को बार बार नमस्कार है। माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनका पूजन अर्चन किया जाता है। माँ चंद्र घंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हुए सर्वप्रथम इस मंत्र द्वारा माँ के स्वरूप का स्मरण करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, सिंहरूढ़ा चंद्र घंटा देवी यशस्वनी, मणिपुर स्थिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम, खड़ग गदा त्रिशूल चापुशर पद्म कमंडलु माला वराभीत कराम, पट्टांबर परिधानाम मृदु हास्या नाना अलंकार भूषिताम, मंजीर हार के यूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडिताम। देवी चंद्र घंटा का शरीर सोने के समान कांति वाला है। वांछित लाभ प्रदान करने वाली माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। यशस्विनी माता सिंह पर सवार हैं। मणिपुर चक्र में स्थित त्रिनेत्रधारी माता दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्र घंटा की 10 भुजाएं हैं। 10ों दिशाओं में मंगल करने वाली ये 10ों भुजाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। माँ चंद्र घंटा के हाथों में शत्रुओं का संधान करने के लिए तलवार, गदा, पाश, धनुष, बाण, त्रिशूल, सौभाग्य सूचक कमल, कमंडल, कलश और अक्षमाला शोभित है। लाल वस्त्र धारण किए हुए मृदु हास्य से जगत का कल्याण करने वाली माँ चंद्र घंटा नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। घुंघरुओं से सज्जित नूपुर, हार, बाजूबंद, करधनी और कानों में रत्न जटित कुंडल से विभूषित है। माँ चंद्र घंटा के इस दिव्य स्वरूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों को अभय देने वाली देवी चंद्र घंटा का ये रूप परम कल्याणकारी है। पुराणों के अनुसार माँ चंद्र घंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माँ चंद्र घंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती हैं, जिससे मन एकाग्र रहता है और चित्त शांत रहता है। इसके बाद माँ चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप और पुष्प अर्पित करते हैं। दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का पंचामृत चढ़ाते हैं। इस बीच ओम देवी चंद्र घंटाए नमः मंत्र का जाप करते हैं। माता चंद्र घंटा की स्तुति वंदना करते हुए इस स्त्रोत का पाठ करते हैं। आपत उद्धारिणी त्वम ही आद्या शक्ति शुभ पराम, अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्र घंटे प्रणमाम्यहम्, चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणी, धनदात्री आनंददात्री चंद्र घंटे प्रणमाम्यहम्, नाना रूप धारिणी इच्छामयी ऐश्वर्य दायिनी, सौभाग्यारोग्य दायिनी चंद्र घंटे प्रणमाम्यहम्, दुख दारिद्र्य दूर कर शुभ वरदान देने वाली, अणिमा आदि सिद्धियां प्रदान करने वाली आदि शक्ति माँ चंद्र घंटा को प्रणाम है। चंद्रमा के समान मुख वाली, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, मंत्रों में वास करने वाली,
धन और आनंद प्रदान करने वाली माँ चंद्रघंटा को प्रणाम है। नाना प्रकार के रूप धारण करने वाली, इच्छामयी, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करने वाली माँ चंद्रघंटा को प्रणाम है। इस प्रकार माता की वंदना करने के बाद देवी चंद्रघंटा के इस मंत्र का जाप करें, दारित्य दुख भय हरिणी का त्वत अन्या सर्वोपकार करणाय सदार्दचिता, दारित्य दुख भय हरिणी का त्वत अन्या सर्वोपकार करणाय सदार्दचिता। दुख, दारित्य और भय को हरने वाली, सभी पर उपकार करने वाली देवी माँ चंद्रघंटा सदैव चित्त में निवास करे। देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को वांछित फल प्राप्त होते हैं। अंत में माँ को भोग लगाते हैं और आरती करते हैं। माँ चंद्रघंटा की साधना से जहाँ एक तरफ मन को असीम शांति प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर इस खास अवसर पर इनकी साधना से जातक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर 9 दिन 9 मंत्र सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूले। अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूले @ राजूला शो।